तो मैंने बताया आपको, हम राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है पेपर लीक तो यहाँ बहुत भयंकर हुए हैं, एग्जाम ही नहीं हो पाए यहाँ पे। तो मैंने सुना 9 साल में करीब 70,000 पुलिस वाले लगे हैं, तो 2 लाख जगह खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात में भयंकर पेपर लीक हुए हैं, आर्मी के अंदर हो गए हैं, हाईकोर्ट के अंदर, राजस्थान में हो गए हैं। पर हमने एक्शन किया है, अरेस्ट किया लोगों को, ढील भेजा है, 2-3 लोगों की बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है, कानून पार कर दिया, आजीवन कारावास होगा फिर को। उसके बाद में पेपर हुआ आरपीएससी का भी, आरएस का, तो शांतिपुर हो भी गया, उनकी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिल गया है, तो हमारी शुरुआत अच्छी हो गई है। जानकारी है नहीं, और ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, ये पूरे देश को गुमराह करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कौन कन्वर्म करने जाए वहाँ पर, राजस्थान के अंदर भी इन्होंने ऐसे जुमले बोलते गए ये लोग, कोई दम नहीं था। कहाँ का जवाब दो, हमने तय किया था इस बार चुनाव में, हम अपने लोकल मुद्दे जो हैं, लोकल इश्यूज जो हमने काम किए, हम उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चैलेंज दिया इनको, अगर आप हिम्मत है तो चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हो, आप बैठ में उनसे करो। वो कर नहीं पाए, वही जो उनका एजेंडा में क्या बोलूँ, उसके लिए उस एजेंडा में पूरे टाइम निकाल दिया उन्होंने, और एजेंडा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनका। वही बात लागू हो रही जो आप कह रहे हो, किसने छुट्टियाँ कर दी, वहाँ भी कह रहे थे सारे हिंदू त्योहारों में तो हम बैन लगा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं वहाँ पर। कोई बैन लगा सकता है क्या, हिंदू नहीं बोलेगा क्या? झूठ बोलने की इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखे इन लोगों ने, इनकी सरकार देखिए। आप प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर, हिमाचल प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होती थी किसी ने, पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थी, दादा मैं समझता हूँ 1 या 2 मीटिंग होती थी एक राज्य के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर। सुनिए आप, विधानसभा चुनाव में जब कभी होते थे चुनाव, 1 या 2 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर होती थी, गांव गांव में घर घर में चर्चा होती थी। आर पी एम आए थे फला डिस्ट्रिक्ट में, फला गांव में, उन्होंने कहा, पूरा पोस्टमार्टम होता था उनका, इतनी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। आज मोदी जी घर घर गले